हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर अब चला गया है, स्प्रिंग जाने को है और समर सीज़न की तैयारी चल रही है, तो गार्डन में रोज़ हमें कुछ ना कुछ काम होते ही हैं। कभी कटिंग लगाना, कभी गार्डन में प्लांट को फर्टिलाइज़र देना, कभी सीड से प्लांट ग्रो करना, क्योंकि जो जो समर सीज़न में ग्रो होते हैं उन सभी प्लांट को अभी हम सीड से भी ग्रो करते हैं, कटिंग से भी ग्रो करते हैं, यानी कि काफ़ी सारा काम हमें करना होता है और रेगुलर बेसिस पे हमारे गार्डन में हमें ढेर सारे काम होते ही हैं। हमेशा की तरह ही मुझे आज फिर मेरे गार्डन में कुछ काम करने हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्मियों के मौसम का सबसे खूबसूरत फूल जो होता है, जो कि है मॉस रोज़, उसे मैंने कटिंग से ग्रो कर लिया था, तो काफ़ी अच्छी मेरी इस प्लांट की ग्रोथ होने लगी है। आप देख सकते हैं काफ़ी घना भी हो गया है, काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं। तो आज मैं इसी मॉस रोज में, यानी पोर्चुलाका में जो एक और वेराइटी होती है जो कि है पर्स लेन, उसे ग्रो करने वाली हूँ। तो ये वॉल पे आप जितने भी ये हैंगिंग प्लांटर आप देख रहे हैं, इन सभी में आज मैं पर्सलेन के प्लांट को ग्रो करने वाली हूँ। पर्सलेन प्लांट भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपने लास्ट ईयर सीड कलेक्ट करके रखे हैं तो आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कटिंग से बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा प्लांट सेव करके रख लेती हूँ और बाद में मैं उसे कटिंग से ग्रो करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे एक प्लांटर मैंने एक सप्ताह पहले, यानी 1 वीक पहले ही लगाया था और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। पूरा प्लांटर मेरा ये घना हो गया, भर गया। तो किस तरह से मैं ये प्लांट कटिंग से लगाऊंगी और इस बार स्पेशली मैं क्या करने वाली हूँ जिससे कि मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला, 1 वीक में मेरा ये प्लांट पूरी तरीके से, ये प्लांटर भर गया, तो वही मैं शेयर करूंगी आपके साथ। जितने भी प्लांटर यहाँ पे टंगे हुए हैं इन सभी में पर्सलिन लगाने वाली हूँ और ये सभी मैं लगाऊंगी मेरे घर में तैयार हुए कंपोस्ट में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एक कंपोस्ट बिन है जिसमें मैंने अपने गार्डन का जितना भी मटेरियल होता है, जितने भी हम गार्डन में झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, जितनी पत्तियां निकलती है, जो प्लांट सूख जाते हैं उन्हें हटाते हैं, जब नए पौधे लगाते हैं तो वो पुराने पौधे जो सूख गए होते हैं उन्हें हटाते हैं, तो इसी में मैं सभी को जमा करती गई और कुछ कुछ इसमें मैंने किचन वेस्ट भी डाला था। तो इस तरह से मेरा ये कॉम्पोस्ट तैयार हो चुका है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं इसको मैं अभी तक यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉम्पोस्ट था। 1 वीक पहले ये जो प्लांट है इसे मैंने इसी में लगाया, ये जो कॉम्पोस्ट आप देख रहे हैं इसी में मैंने इसे लगाया और मैंने कंप्लीट कॉम्पोस्ट में ही लगाया है, कोई मिट्टी नहीं डाली है, कुछ नहीं ऐड किया है, सेफ और सेफ ये जो है ये मैंने लिया है और इसी में मैंने लगा दिया, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ, काफ़ी अच्छी रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मुझे मिला। तो बाकी के जितने भी प्लांट है मैं लगाने वाली हूँ पर्सलेन के, वो मैं डायरेक्ट इसी में लगाऊंगी। कंपोस्ट मैं इसमें मिट्टी ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे मैं इसमें कंपोस्ट बना रही थी वैसे वैसे मैं इसमें मिट्टी भी डालती जा रही थी। जैसे कि आप सभी को पता है जब भी हम गार्डन में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो काफ़ी मिट्टी भी निकलती है जो कि पौधे में पानी देते वक्त बह जाती है, तो वो सारी मिट्टी भी इसमें लगभग जमा होती गई, इसीलिए मैं इसमें मिट्टी और ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें काफ़ी मिट्टी भी ऑलरेडी है, कंपोस्ट बनाते वक्त मैंने डाल दिया था। तो इस तरह से ये तैयार मेरा आप देख सकते हैं, काफ़ी डंडियाँ इसमें दिखेगी आपको, काफ़ी कुछ अभी भी है जो कि फर्टिलाइज़र में बदला नहीं है, कंपोस्ट में बदला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप ही होते ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं इसकी कटिंग लगाती हूँ और इससे इससे ढेर सारे प्लांटर मैं तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे जितने भी मेरे पास बास्केट थे उन सभी में मैंने कंपोस्ट डाल दिया है जो मैंने खुद घर में बनाया था, तो उससे मैंने फिल कर दिया है। अब फिल करने के बाद इस सभी को मैं पहले मॉइस्ट करूँगी और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे लास्ट ईयर का प्लांट है पर्सलेन का, जिसमें कुछ एक फ्लावर्स तो खिलने भी लगे हैं, तो इसी में से मैं कटिंग निकालूंगी और इन सभी बास्केट को तैयार करूंगी।
तो सबसे पहले इन सभी को मैं अच्छी तरीके से मॉइस्ट कर लूँ। अब फ्रेंड्स इस प्लांट में से हम कटिंग ले लेंगे और कटिंग लेके बस रैंडमली हम लगा देंगे। ये प्लांट इतना इजी टू ग्रो है कि ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। छोटे छोटे स्टेम हम लेंगे इतने बड़े बड़े और इस एक प्लांटर में 4-5-6 जितने इसमें लग सकते हैं उतने लगा लेंगे। चाहे तो एक भी लगा सकते हैं लेकिन एक को घना होने में काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए मैं इसमें काफ़ी सारे कटिंग लगा दूंगी जिससे कि ये प्लांट जल्दी से जल्दी घना हो जाए। तो इस तरह से 10-12 कटिंग एक प्लांटर में मैंने लगा लिया है और विद इन 5-6 डेज में ही ये प्लांटर कंप्लीट भर जाएगा, ग्रोथ में आ जाएगा ये प्लांट और अच्छा खूबसूरत दिखने लगेगा। ये कटिंग से लगने के बाद 20 से 25 दिन में लगभग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, ये मैंने खुद देखा है। तो इसी तरह से मैं इसमें से कटिंग लेके ये सारे बास्केट भर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इन सभी प्लांटर में कटिंग लगा ली पर्सलिन की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अभी भी मेरे पास ये प्लांट अभी भी काफ़ी घना है, काफ़ी सारे प्लांट अभी भी मेरे से मैं इससे बना सकती हूँ। तो इस तरह से लगभग मैंने 10 प्लांटर तैयार कर लिए हैं। अब बहुत ही जल्दी ये कटिंग ग्रो हो जाएंगे और ये प्लांटर बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेंगे। जैसे कि इसमें एक दो फूल आप देख सकते हैं खिले हुए, जब ये पूरा खिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है ये पर्सलिन प्लांट की। जब फूल खिलेंगे तो मैं इसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं जब इसके फूल खिलते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो जो कि पर्सलिन प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का और किस तरह से हम फास्ट ग्रोथ लेने के लिए कैसे मिट्टी हम प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो और अच्छी फ्लावरिंग हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।